हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टर लॉजी। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में कौन से स्टॉक्स हैं जो बढ़िया मूवमेंट दे सकते हैं, जिस पर अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो कुछ पैसा कमा पाए। इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप और उनका ओपन इंटरेस्ट का डाटा चेक करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अपसाइड और हमें लगती है या जो आज साइडवेज और डाउन ट्रेंड जो कंटिन्यू था, जो मैंने आप लोगों को अपनी कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड हो सकती है, एग्जैक्टली वैसा फॉलो हुआ, क्या वो दोबारा कंटिन्यू कर सकती है, ये सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। प्लस एफआईआई के डाटा के बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट की मूवमेंट और मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ रह सकती है। सो मैंने कल तीन स्टॉक्स रिकमेंड करे थे, एल्कम लैब, पीएफसी एंड भारती एयरटेल। तीनों स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं एंड उनको रिलेट कर सकते हैं। सो आज भी मैं तीन स्टॉक्स बताने वाला हूं, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाय एवरीवन, सो जैसे कि आप मेरे ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं, सो सबसे पहला स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों के माइंड में आ रही होगी ये वाली बात कि सर आपने तो बताया है कि साइडवेज टू डाउन ट्रेंड मार्केट रह सकती है, तो यानी कि तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा, बट आप कोटक बैंक को बाय करने के लिए सलाह क्यों दे रही है? बट मैंने आपको ये वाली बात बोली कि मार्केट साइडवेज भी है, मार्केट ज्यादा बियरिश बिल्कुल भी नहीं है, अगर नीचे जाएगी तो मार्केट रिकवर भी करेगी। तो कोटक बैंक एक ऐसा बैंक हो सकता है, अगर कल ये थोड़ा सा डिप भी देगा तो यही मार्केट को शायद दोबारा बाउंस बैक करवा के ऊपर लेकर जा सकता है, इसीलिए मैं स्टॉक आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा एक पैटर्न और डेवलप हुआ है जो कि पीएफसी के अंदर हुआ था, जिसने आज हमें 2.5 से 3% का रिटर्न भी दिया था। सो स्टॉक को स्टडी करते हैं, ड्रॉइंग करते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या पैटर्न बन रहे हैं, ध्यान से समझेगा सारी चीजें। सो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये वाली जो लाइन है, ये पर्टिकुलर लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, मल्टीपल टाइम्स इसने रेजिस्टेंस को फेस करा। इसके अलावा अब यहाँ पर एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, जिस पैटर्न को मैं कहना चाहूंगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप देख रहे हैं ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना है, एंड इसका ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दे दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टारगेट्स कहां तक हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे, अगर इसका ब्रेकआउट दिया है तो ऊपर इसका क्लोजेस्ट जो रेजिस्टेंस है मेरे लिए वो टारगेट होगा। सो हम अगर फाइंड करते हैं एक जोन क्रिएट करके, आई थिंक दिस इज द टॉप, ये एक टारगेट बन सकता है। ठीक है, ये एक टारगेट हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो पैटर्न हम लोगों ने अभी हेड एंड शोल्डर फाइंड करा, इससे हमें क्या आंसर टारगेट पता चल रहा है, क्योंकि पैटर्न हमें अपना खुद का टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताता है। सो जो राइट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर का जो डिफरेंस अमाउंट है ना, ये डिफरेंस है, यही पूरा का पूरा इसका टारगेट होता है। सो मैं एक लाइन यहां पर भी ड्रॉ कर देता हूं कि ये इसका टारगेट हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। सो यानी कि अभी जो करंट प्राइस है दैट इज 1840 रुपीज, मुझे लगता है कि अगर हम लोग बाय करते हैं, अगर कोई भी डिप देता है 10 रुपए 12 रुपए की, आप लोग इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर मार्केट रिकवर करती है, अगर बैंक निफ्टी रिकवर करती है, और हम लोग इसे स्टडी करेंगे, बिकॉज मैं कल लाइव आने वाला हूँ आप लोगों के सामने 2 बजे, तो वहां पर मैं आप लोगों को पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा कि कब हमें ये बाय करना है। ठीक है, सो 1840-1835 रुपीज के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, हम 1844 रुपीज के ऊपर से बाय करेंगे या डिप मिलती है तो बाय करेंगे। टारगेट्स जो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं दैट इज 1960-2000 रुपीज का लेवल। अब ये बहुत ज्यादा दूर है, मार्केट अभी अपने एग्जैक्टली उस पॉइंट पे है जहां पर वो टॉप क्रिएट कर रही है। सो यानी कि वहां से ऊपर बढ़ने के चांसेस हैं, बिकॉज अपने प्रीवियस हाई को बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं करा, और नीचे जाने के भी बहुत चांसेस हैं, बट मार्केट अभी साइडवेज है, तो बैंकिंग सेक्टर में ये स्टॉक पे हम लोग फोकस करने वाले हैं रेदर देन अदर स्टॉक्स। ठीक है, सो इसको हम लोग कल लाइव मार्केट पे स्टडी करेंगे, मैं आप लोगों के सामने लाइव मार्केट पे चार्ट शेयर करते रहूंगा, बट इसको आप बाय करके चल सकते हैं, परफेक्ट एंट्री लेवल, टारगेट एंड स्टॉप लॉस मार्केट जब ओपन होगी 9:15 पे, तब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा कि कब बाय करना है। तो उसके लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं,
और वहां पर हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। सो लेट्स मूव टू सेकेंड स्टॉक। सो हमारा सेकेंड स्टॉक है FDC, FDC लिमिटेड पे। ये मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड बिल्कुल नेकेड चार्ट है, तो इस पे आप लोग अपना ड्राइंग करेंगे एंड चेक करेंगे कि ये कौन सा पैटर्न बता रही है और इस पे हम लोग कौन सा डिसीजन मेकिंग है, ये बायस है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन का यूज करूंगा क्योंकि मुझे अपने हाइस और लोस को कनेक्ट करना होता है, तो मुझे अपना एक स्ट्रक्चर पता चल जाता है। सो आई थिंक दिस इज द हाई, मैं इन सारे हाइस को कनेक्ट कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। इसके अलावा मैं लोस को कनेक्ट कर लेता हूँ, बट लोस की आई थिंक अभी कोई नीड इतनी ज्यादा नहीं है, बट तभी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। जब मैंने हाइज और लोस को कनेक्ट करा तो मुझे यहाँ पर एक पैटर्न तो सबसे पहला दिख रहा है। सबसे पहला पैटर्न क्या है, जो भी हम लोगों ने रिसेंटली बिल्कुल अभी डिस्कस करा है, दैट इज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देख रहे हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है, एज यू कैन सी इट हियर। ये देख रहे हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और एग्जैक्टली अपने टॉप तक ये पहुंचने वाला है, अपने रेजिस्टेंस लेवल तक ये पहुंच रहा है और इसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकता है। एक फैक्टर तो ये पता चला कि एक ट्रेंड लाइन पे है और एग्जैक्टली अपने सपोर्ट से बाउंस करके ऊपर गया, ठीक है। अब इसको हटा दें, इसके अलावा फर्दर स्टडी करते हैं। अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं एंड चेक करते हैं, ठीक है, जूम इन करके चेक करते हैं। सो हमने एक चीज यहां पर देखी कि स्टॉक ने एक बुलिश अप मूव दी, बुलिश मूवमेंट देने के बाद स्टॉक नीचे आया, हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया एंड दोबारा ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद अब आप देख सकते हैं एक कंटिन्यूस मूवमेंट आ रही है, एक इम्पल्स मूव आई, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया एंड दोबारा एक कंटिन्यूस इम्पल्स मूव कंटिन्यू हो रही है। सो यहाँ पर हायर हाइज एंड हायर लोस फॉर्म हो रहे हैं ना वीकली टाइम फ्रेम। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं पे स्टडी करूँ तो मुझे यहाँ पर एक पैटर्न और समझ में आ रहा है, सिमिलर पैटर्न है, आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू। ये देख पा रहे हैं यहां पर भी एक पैटर्न डेवलप हुआ, जैसे कहते हैं हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो अभी रिसेंटली बना था। सो ये देख सकते हैं, ये शोल्डर है, दिस इज हेड एंड दिस इज अगेन अनदर शोल्डर। अभी ये शोल्डर फॉर्म नहीं हुआ, अभी ये शोल्डर फॉर्म हो रहा है। सो इसका जो टॉप है दैट इज 390 रुपीज और अभी करंट प्राइस है 370 रुपीज। मुझे लगता है ये अभी भी और ऊपर जा सकता है और पॉसिबिलिटी है इसकी, और इसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो जो हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे लॉन्ग टर्म जो हेड एंड शोल्डर देखा था ना, उसका भी ब्रेकआउट दे देगा और ये शॉर्ट टर्म का भी हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे देगा। सो जो ब्रेकआउट लेवल है दैट इज 390 to 395 रुपीज, ठीक है। सो 20 से 25 रुपए का ऊपर आप एक दो तीन दिन के लिए टारगेट मान के चल सकते हैं। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है और उसके ऊपर क्लोज भी हो जाता है तो हम लोग एक जूम करके चल सकते हैं कि वहां से ये 450 तक भी जा सकता है। 450 तक कैसे जाएगा, टारगेट कैसे पता लगाया, ये जो राइट शोल्डर है इसका डिफरेंस हम ऊपर की तरफ लेंगे और वो 440 से लेके 450 तक आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये FDC का स्टॉक भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर यहां पर मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से लेता हूं, सो इसका भी आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन अपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है, आई थिंक ये बढ़िया स्टॉक आने वाले टाइम पे परफॉर्मेंस दे सकता है। इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करेगा। सो हम लोगों ने दो स्टॉक्स की बात कर ली है, अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। सो हमारा थर्ड स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। डॉक्टर लाल पैथलैब्स पे अगर आप देखेंगे सो आपको एक ट्रेंड तो ऑलरेडी पता चल रहा होगा, ये डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन करा हुआ है एंड यहाँ पर आपको ट्रेंड दिख रहा है अप ट्रेंड, पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है, कंटिन्यूअसली इट्स मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस। सो अब स्टॉक के अंदर क्या करना है, किस तरीके से यहाँ पर हमें पैटर्न्स को फाइंड करना है या कौन सा यहाँ पर हमें डिसीजन मेकिंग लेना है, तो उसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं। सो सबसे पहले मैंने ट्रेंड लाइन ली, ये मुझे एक लग रहा है हमें एक टॉप हाई टू हाई क्रिएट करते हैं, इसके अलावा एक बॉटम भी क्रिएट कर सकते हैं, आई थिंक ये वाला बॉटम हो गया, ठीक है, एंड एक बॉटम हम लोग ये ले सकते हैं। ये वाली जो लाइन मैंने नीचे वाली ड्रॉ करी हुई है, क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, आई थिंक अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये दो लाइंस की अभी तक मुझे इंपॉर्टेंस लग रही है जो काम पे आ सकती है। इसके अलावा अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जब जूम इन करेंगे तो यहां पर हम लोगों को एक चीज देखने को मिल रही है, ये ऊपर गया, एक इम्पल्स मूवमेंट दी, हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया, अगेन एक मूवमेंट दी, यहां पर एक डबल टॉप क्रिएट हुआ था एंड वो दोबारा नीचे आया। स्टॉक वीक नहीं हुआ, स्टॉक ने डबल बॉटम पैटर्न पूरा क्रिएट नहीं करा, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं इसे चेक करूं
दैट इज, एक तो इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है, इसके अलावा इसने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को फेस करा इस लेवल पे, ये देख रहे हैं, इस लेवल पे इसने एक रेजिस्टेंस को फेस करा। यहां पर हमें एक चीज पता चली, अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूं, ठीक है, अब आप देखेंगे एक शार्प अपमूव आई, एक रेंज के अंदर काम करा एंड एक ब्रेकआउट दिया। सो यानी कि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, एक शार्प अपमूव आई, एक रेंज के अंदर एक फ्लैग क्रिएट करा, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया एग्जैक्टली इस लेवल। ब्रेकआउट देने के बाद वो नीचे आया, रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर चला है। आप देख सकते हैं जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट कर रहा था, ब्रेकआउट देने के बाद वो इसके लिए सपोर्ट बना एंड इसके बाद ये दोबारा ऊपर जा रहा है। सो यानी कि स्टॉक ने एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट करा, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा, सपोर्ट लिया एंड उसके बाद दोबारा बाउंस करा, अब यहां से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। सो यहां पर हम लोग एक बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टारगेट्स की। सो टारगेट्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 4300 4200 90 रुपीस के आसपास का कर रहा हूँ, जो ऑलमोस्ट यहाँ से 100 टू 150 पॉइंट्स ऊपर है। दूसरी चीज, अभी यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल है, देख सकते हैं ना, ये जब ऊपर गया था यहाँ इसने एक डबल टॉप क्रिएट करा, नीचे आया, फिर एक नया ब्रेकआउट दिया। सिमिलर यहाँ पर भी हो सकता है कि यहाँ पर ये एक डबल टॉप क्रिएट कर ले एंड उसके बाद नीचे आ जाए। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं कि एग्जैक्टली इस लेवल से ये नीचे आ रहा है, जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, जब ये 4180 के ऊपर क्लोज करता है 15 मिनट की कैंडल, अगर 15 मिनट्स की कैंडल 4180 के ऊपर क्लोज करती है तो हम लोग बाय करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 4290 4300 रुपीज का, ठीक है। तब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा दैट इज 4150 रुपीज का। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, ठीक है। सो ये थे हमारे 3 स्टॉक्स। अब बात करते हैं अपने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, उसके बाद हम लोग ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखेंगे, लास्ट में हम लोग FIIs का डाटा देखेंगे एंड फिर अपना डिसीजन लेंगे। चलते हैं अपने बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप की तरफ। सो मैंने निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप लोगों को जो भी ड्रॉइंग्स दिख रही हैं, जो भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऑलरेडी हम लोगों ने कल बात करी थी और आप लोगों के सामने बनाया था। हम लोगों ने कल क्या बात करी थी, हमने बोला था ये एग्जैक्टली इस लेवल पे था, कल इस लेवल पे क्लोजिंग थी। हमने आपसे बोला था अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं, ये हमारा टारगेट होगा, और अगर इसके नीचे जाता है तो हमारा सेकेंड टारगेट ये होगा, अदरवाइज अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हमारा बाइंग की साइड में टारगेट ये होगा। बट वो नीचे गया, हमारा टारगेट अचीव करा, अगेन ये ऊपर आया और इस लेवल पे इसने क्या करा, इस लेवल पे यहाँ पर इसने दोबारा रेजिस्टेंस फेस करा और यहाँ पर ये दोबारा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। सो राइट नाउ क्या प्राइस चल रहा है, प्राइस चल रहा है 17,350 रुपीज के आसपास का। मैंने आपको कल की वीडियो अगर याद होगी तो मैंने बताया था कि मैं आपको एक स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूंगा, एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा निफ्टी के अंदर जो आप लोग यूज कर सकते हैं। आज मैं आया था 2 बजे लाइव यूट्यूब पे और वहां पर मैंने आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी लिख कर दी थी। डोंट वरी, मैं दोबारा यहाँ पर आपको एक बार लिख कर दे दूंगा एंड उसके थ्रू आप अपना ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या, मैंने आपको कल एक रेंज बताई थी 17,200 से लेके 17,500 का, करंट प्राइस है 17,350, यानी कि 150 पॉइंट्स अपसाइड में 150 पॉइंट्स डाउनसाइड में। अभी एग्जैक्टली अपने बिटवीन ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच ट्रेड कर रहा है। तो इसके लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, दैट इज आयरन बटरफ्लाई, आयरन बटरफ्लाई बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को लिखकर भी दिखा दूंगा एंड उसके बेसिस पे हम लोग अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि मूवमेंट किधर आ सकती है, सबसे पहले चार्ट्स को देखते हैं। सो सिमिलर वही है, अगर ये इस लेवल के ऊपर कल चले जाता है 15 मिनट के कैंडल क्लोज कर जाता है तो हमारा टारगेट ये होगा, अदरवाइज अगर ये नीचे आ रहा होता है और नीचे आके अपने इस लेवल के नीचे चले जाता है, इस लेवल के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है तो हमारा टारगेट नेक्स्ट जो होगा वो ये होगा, ये वाला लेवल, ठीक है, एंड इसको भी ब्रेक डाउन देता है तो नेक्स्ट सेलिंग साइड में टारगेट होगा ये वाला लेवल। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करिए एंड एग्जैक्टली ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम कि लाइव मार्केट पे आप लोगों को पता होगी कब हमें शॉर्ट करना है, कब हमें लॉन्ग जाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की एंड उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी, ओके। सो बैंक निफ्टी में चलते हैं। सो बैंक निफ्टी का मैंने ट्रेडिंग सेटअप ओपन कर दिया, एग्जैक्टली जो मैंने कल बताया था एग्जैक्टली वैसा ड्रॉ है, और मैंने यहां पर जो कल की क्लोजिंग थी ना, मतलब थर्सडे की जो क्लोजिंग थी वो थी ये वाली कैंडल। अब मैंने क्या कहा था
कि अगर इस जोन के ऊपर जाएगा और 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो हम लोग लॉन्ग जाएंगे, जो कि टारगेट फर्स्ट और सेकेंड ये होगा। अगर ये इस जोन के नीचे चले जाता है तो हम लोग सीधा शॉर्ट कर देंगे, पहला टारगेट ही होगा और दूसरा टारगेट ही होगा। ऑलमोस्ट हमारा पहला टारगेट तो अचीव हो गया था, उसके बाद एक रिकवरी है। रिकवरी आने के बाद अब आप एक चीज़ देखेंगे, ये जो जोन है ये जोन पहले सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम करने के बाद ब्रेकडाउन दिया, सपोर्ट का काम करने के बाद जब ब्रेकडाउन दिया और उसे दोबारा रीटेस्ट करा, दैट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहां से ये दोबारा नीचे आ रहा है। मैंने आपको क्या बोला था कल, मार्केट इज साइडवेज टू डाउन ट्रेंड। मार्केट डाउन ट्रेंड आई, उसके बाद पूरे टाइम साइडवेज चली गई, ठीक है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे? तो यहां पर अगर आप सिंपल कॉल को बाय करेंगे लॉन्ग जाने के लिए या फिर पुट को बाय करेंगे शॉर्ट जाने के लिए, तो आप पैसा लूज कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही है, उसके बाद साइडवेज आ रही है, जो आपका प्रीमियम है वो डिके हो जाएगा और उसकी वजह से आप लॉसेस बुक कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल स्ट्रैटेजी है, या तो हेज करके चलो, या फिर कॉल को सेल करो, या फिर पुट को सेल करके अपनी स्ट्रैटेजी को बनाओ। अगर आप सिंपल करोगे तो यहाँ पर आपके लॉसेज होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब अगर यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन आप लोगों के सामने ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है कल के ट्रेडिंग सेशन पे, तो हम लोग सिंपल शॉर्ट कर देंगे फॉर अ टारगेट ऑफ दिस। अदरवाइज हम लोग अगर इस लेवल के ऊपर चले जाता है तो हम लोग अपना लॉन्ग भी क्रिएट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा था बैंक निफ्टी और निफ्टी का। अब एक बार ओपन इंटरेस्ट को चेक करते हैं। ओपन इंटरेस्ट को निफ्टी बैंक निफ्टी को चेक करने के बाद एक डिसीजन मिल जाएगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होगा। फिर हम लोग निफ्टी का ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में FII डाटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हम लोग अपने निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट डाटा की तरफ आ चुके हैं एंड अगर हम लोग चेक करें तो 16th ऑफ सितंबर को एक्सपायरी है, ठीक है। आज मंडे है, थर्सडे को एक्सपायरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुट ओपन इंटरेस्ट चेंज के बारे में। तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट चेंज कहां पर है, 17,300 पे। सेकेंड हाईएस्ट कहां है, 17,200 पे, ठीक है। सो फर्स्ट हाईएस्ट है 17,300 एंड सेकेंड है 17,200। अभी हम लोगों ने जब टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी करी तो हम लोगों ने पता लगाया जो बॉटम था वो क्या था, 17,200, और टॉप क्या है, 17,500, ये रेंज है। तो हम लोग सेकेंड हाईएस्ट की बात करते हैं। सो पुट राइटिंग सेकेंड हाईएस्ट हो रही है 17,200 पे, यानी कि 17,200 तो इस एक्सपायरी में बिल्कुल ब्रेक नहीं होने वाला। अब बात करें कॉल साइड की, तो हाईएस्ट है 17,400 पे एंड सेकेंड हाईएस्ट है 17,500 पे, यानी कि जो अपसाइड है वो भी लिमिटेड है। 17,200 ऑन अ डाउनसाइड ब्रेक नहीं हो सकता, 17,500 ऑन अ अपसाइड ब्रेक होने के चांसेस भी कम है। सो हमें एक चीज तो पता चल गई, एक रेंज, ये 300 पॉइंट की एक रेंज पता चल गई। बट अगर हम एक चीज और देखें, फर्स्ट हाईएस्ट कहां पर है, फर्स्ट हाईएस्ट कॉल राइट पुट राइटिंग हो रही है 300 पे और 17,400 पे, ये 100 रुपए के अंदर हो रही है। इसका मिड क्या है, 17,300 और 400 का मिड है 17,350 रुपीस, जहां पर एग्जैक्टली क्लोजिंग देखने को मिली है। सो हमें लगता है कि ये 100 रुपए के रेंज के अंदर ही काम कर सकती है, यानी कि 17,350, ध्यान से समझेगा, 17,350 एट द मनी प्राइस है, जो क्लोजिंग प्राइस है 50 रुपए ऊपर। हाईएस्ट कॉल राइटिंग है जो कि 17,400 में है, 50 रुपए नीचे हाईएस्ट पुट राइटिंग है जो कि 17,300 में है। यानी कि ये जो 100 रुपए की रेंज है, इस रेंज के अंदर मार्केट पूरे टाइम काम कर सकती है। अगर इसने डाउनसाइड की तरफ ब्रेकडाउन दिया तो वो सेकेंड हाईएस्ट 17,200 तक जा सकती है, अदरवाइज अगर हायर लेवल पे ब्रेक करा तो वो 17,400 से 17,500 जा सकती है। तो हमें तो रिस्क लेना ही नहीं है, हमें तो रिस्क नहीं लेना, तो हम तो सेकेंड हाईएस्ट और सेकेंड लोएस्ट पे जाएंगे। सो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार बैंक निफ्टी को चेक करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करते हैं। बैंक निफ्टी को अगर मैं चेक करूं तो बैंक निफ्टी हमें क्या बता रहा है, बैंक निफ्टी अकॉर्डिंग टू निफ्टी ज्यादा वीक लग रहा है, ठीक है। अगर आप यहां पर कॉल चेंज और पुट चेंज देखें, कॉल राइटिंग हुई है 9.5 मिलियन एंड पुट चेंज हुआ है 5.3 मिलियन, ऑलमोस्ट इक्वल टू डबल है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल राइटर्स ज्यादा है, अगर कॉल राइटर्स ज्यादा होते हैं तो फॉल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 36,000
500 पे एंड क्लोजिंग हुई है 36,500 के नीचे। अगर कल कोई भी गैप डाउन दिखता है या इसी लेवल से नीचे जाना स्टार्ट करता है सो मार्केट और नीचे जा सकती है। ठीक है, अब सेकेंड हाईएस्ट पुट की बात करें तो वो आ रहा है 36,600 पे। सो यानी कि जो अपसाइड है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, मतलब 36,600-700 के ऊपर नहीं जा सकती है। अब बात करते हैं डाउन साइड की। अगर कल ये 36,500 के नीचे सस्टेन करते रहता है तो हम लोग 36,300-200 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या डिसीजन लेना है? निफ्टी पे मैंने आपको बताया एक आयरन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं बिकॉज वो रेंज बाउंड टू डाउन साइड है। यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें रेंज बाउंड नहीं लग रही है, यहाँ पर हमें सीधा सेलिंग प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग फिर एट द मनी की पुट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, या 100 रुपए नीचे का हम लोग एक पुट बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, या हायर लेवल का एक कॉल को शॉर्ट करके चल सकते हैं। यहाँ स्ट्रैटेजी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम बात करते हैं निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे आप लोग सिंपल एक पुट को शॉर्ट कर सकते हो अगर जो मैंने ट्रेंड लाइन दिखाई वो ब्रेक होती है। अब बात करते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी कौन सी बनाए। सो यहाँ पर अगर आप सेंसिबल पे आते हैं तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर आपको दिखता है, इसे क्लिक करते हैं। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आप लोगों को रेडीमेड स्ट्रैटेजीज दिख जाएंगे। हम जाएंगे न्यूट्रल पे एंड आयरन बटरफ्लाई पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको बन के आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ये स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली आपको बन के आ जाती है। अब इस सेंसिबल के अंदर आपको मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, मैक्स लॉस कितना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है, मार्जिन की कितनी रिक्वायरमेंट है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है, ये सारी चीज आपको बता देता है। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी को नोट करिए। हम लोग बाय करेंगे 17,150 का पुट, 17,150 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक है, उसके मुकाबले हम लोग 17,550 का कॉल ऑप्शन भी बाय करेंगे। ठीक है, 17,550 का कॉल ऑप्शन भी बाय करेंगे एंड दो ऑप्शन हम लोग सेल करेंगे। 17,350 का पुट भी सेल करेंगे, 17,350 का कॉल भी सेल करेंगे। सो इसे हम लोग कहते हैं आयरन बटरफ्लाई। सो हम लोगों ने दो बाय करे हैं, दो शॉर्ट करे हैं। अब यहां पर अब अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो हम लोगों ने सेल क्या करा है, 17,350 का कॉल भी शॉर्ट करा है एंड पुट भी शॉर्ट करा है। उससे क्या होगा, वो एक रेंज है, मुझे लगता है कि उसके आसपास ही निफ्टी क्लोजिंग दे सकता है, 50 रुपए ऊपर 50 रुपए नीचे ही क्लोजिंग दे सकता है। अभी हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट पे देखा था ना, हाईएस्ट पुट और कॉल राइटिंग निफ्टी में कहा था 50 रुपए ऊपर एंड 50 रुपए नीचे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कॉल और पुट को शॉर्ट कर रखा है कि अगर बाय चांस इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग मिलती है तो ये पूरा का पूरा जो प्रीमियम है वो हम लोग ले पाए। इसके अलावा हम लोगों ने 17,150 का पुट भी बाय करा है। बाय चांस अगर इस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ देता है तो हम लोग आपके पास जो पुट है वो एक हेजिंग का काम कर रहा है, एक सेफ साइड का काम कर रहा है एंड उससे हमारा जो लॉस है वो कम हो सकता है और वो प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैक्स प्रॉफिट हो सकता है स्ट्रैटेजी पे वो 6,100 का हो सकता है, मैक्स लॉस 4,000 के आसपास हो सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट, हमें लॉस कब तक नहीं होगा, जब तक निफ्टी 17,200 को ब्रेक नहीं करती और 17,500 को ऊपर साइड में ब्रेक नहीं करती। सर मार्जिन, हमें फंड कितना नीड होगा, तो फंड आपको नीड होगा 45,000 का। ठीक है, मार्जिन आपको 38,000 का नीड होगा। सो विद इन 50,000, अंडर 50,000 इन्वेस्टमेंट के अंदर आप ये स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं और 3 दिन के अंदर, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के अंदर आपको ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल ट्रेड कमवा के दे सकती है। ठीक है, सो ये था हमारी एक स्ट्रैटेजी निफ्टी के अंदर। आयरन बटरफ्लाई स्टडीज जरूर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी साइडवेज मुझे ज्यादा नहीं लग रहा, डाउन ट्रेंड लग रहा है, तो बैंक निफ्टी पर हम लोग एक पुट बाय कर सकते हैं, अदरवाइज एक हायर लेवल की कॉल को शॉर्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एफआईआई डाटा के बारे में। सो एफआईआई डाटा 13th of September मंडे का ये डाटा है। सो कॉल में वो लोग बुलिश थे 1.75 लाख क्वांटिटीज एंड पुट पे वो लोग बियरिश थे 2.03 लाख क्वांटिटीज, यानी कि लगभग सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो ऑप्शंस पे अगर हम लोग बात करें तो वो लोग साइडवेज है, ऑप्शन में वो लोग साइडवेज है, ना ज्यादा बुलिश है ना ज्यादा वो लोग, उन लोगों ने बियरिश साइड में अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखा हुआ है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो लोगों ने इंडेक्स फ्यूचर आज 646 करोड़ का शॉर्ट करके रखा हुआ है, यानी कि उन लोगों ने ऑप्शन में हेजिंग कर रखी है एंड वो लोग इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है।
तो यानी कि साइडवेज टू डाउन ट्रेंड ही मार्केट कंटिन्यू है। अदरवाइज अगर हम लोग स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स पे एफआईआई ने 1500 करोड़ की बाइंग करी है, यानी कि वो लोग इंडेक्स पे तो हेजिंग कर रहे हैं, मतलब इंडेक्स पे तो वो लोग डाउन साइडवेज टू डाउन ट्रेंड जा रहे हैं, बट वो स्टॉक्स पे बुलिश है। अल्टीमेटली मार्केट इन द एंड ऊपर ही जा सकती है बाद में, ठीक है। डीआईआई ने यहाँ पर स्टॉक्स पे सेलिंग करी है 550 करोड़ की, ठीक है। तो नेट की अगर मैं बात करूं तो 1000 करोड़ की बाइंग हुई है स्टॉक्स के अंदर, बट अगर इंडेक्स की बात करें तो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है, ये मार्केट हमें इंडिकेट कर रही है। सो मार्केट खुलते ही अगर कोई भी बेयरिश सिग्नल दे तो तुरंत शॉर्ट करिए एंड कोई भी प्रॉफिट मिले एग्जिट करिए, ठीक है। तो गाइज ये थी मेरी स्ट्रैटेजी आज के वीडियो की, आई होप अगर आप लोगों को पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ गाइस शेयर करते रहिए। लेट्स एम कि इस महीने के अंदर हम लोग अपने 1 लाख सब्सक्राइबर बेस को क्रॉस करें एंड उसके बाद फिर एक पार्टी करते हैं। सो डेफिनेटली गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट का डाटा स्टडी करा, एफआईएस के डाटा के थ्रू प्रेडिक्ट करा, टेक्निकल एनालिसिस देखा, प्लस ऑप्शन स्ट्रैटेजी को हम लोगों ने बिल्ड करके एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है। सो ये अगर आप लोगों को कल प्रॉफिट होता, अगर आपको आज के ट्रेड्स में कुछ प्रॉफिट हुआ है, सो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी लिसनिंग दिस होल वीडियो। बाय बाय।